Hello student, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today we will see the graph portion of momentum. कुछ बच्चों ने कहा था ये नया टॉपिक है, पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर लें, बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम मोमेंटम इनर्शिया, ये सब आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स हैं। अगर मैंने इसको नहीं पढ़ाया तो आपको लॉज ऑफ मोशन समझ नहीं आएगा, तो पहले आप इसको समझिए अच्छे से, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करिए, इसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल सी द ग्राफ ऑफ मोमेंटम वर्सेस मास एंड वेलोसिटी। फर्स्ट ग्राफ इज पी एंड मास, ये मास हो गया, ये मोमेंटम पी होता है, इसके ग्राफ सीधा इस तरीके से आप बनाओगे। सेकेंड ग्राफ हो गया पी, दिस इज वेलोसिटी, ये भी सीधा ग्राफ बनेगा, इसको आप नोट कीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सपोज दिस इज ग्राफ एंड यहाँ पे आपका मास है 50, ये केजी में है, ठीक है। इफ वेलोसिटी is 20 meter per second, find momentum of body। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, P is equal to क्या होता है m into v, ठीक है। मास कितना है इस पॉइंट पे 50 और वेलोसिटी आपको दी गई है 20, आंसर क्या हो जाएगा 1000 kg meter per सेकेंड। क्लियर, एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, इसी में आप कन्वर्ट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए पॉइंट का मोमेंटम कितना होगा, बी पॉइंट मोमेंटम कितना होगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन सी, ए पॉइंट पे आपको दिया गया है मास 50 केजी एंड पी इज 1000, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे आपको बतानी है, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे P इज इक्वल्स टू एम इन टू वी, यहाँ से आप आंसर निकाल देना, ठीक है। ये आप ग्राफ वर्क सारा नोट कीजिए अपनी कॉपी में।